नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागढ़ और आप देख रहे हैं फिर से हमारा चैनल स्मॉल हाउस प्लान। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। सर्दी बढ़ गई है तो आप लोग बहुत ही सुरक्षित रहें, जैकेट वैकेट पहने रहें जैसे कि मैं पहना हूं, जिससे आप बहुत ही सुरक्षित रहें। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये हमारी एक पेड सर्विस का रिव्यू है। हमारे एक कस्टमर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को बनाया गया है। मैं पूरा ए टू जेड समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको मैं प्रॉपर तरीके जैसा कि मैं वीडियो में दिखाता रहता हूँ दिखाने वाला हूँ। अगर आप इन मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसके वहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो और साथ साथ उसके मॉडल्स और अन्य घर से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं, आपको हम ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जिस मॉडल में बात कर रहा था वो ये मॉडल है और ये कॉर्नर का प्लॉट है, दोनों तरफ रोड है। और इस मॉडल को हमारे एक के पेड यूजर थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। मैंने इधर भी विंडो लगा दी है क्योंकि उनका इधर जमीन है। अगर आप नहीं चाहते हैं इन विंडोज को तो आप इन्हें हटा सकते हैं, ये कोई ऑप्शनल चीज है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। आप यहाँ से विंडो हटा दीजिए तो आसानी से आपका पूरा वॉल क्लोज्ड हो जाएगा। तो आज इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और बहुत ही खूबसूरत 20x30 प्लान है। 20 फिट इसका फ्रंट है और 30 इसका ओवरऑल हाइट है, सॉरी इसका गहराई है। और दोनों साइड रोड है, आप देख सकते हैं आगे से भी इनकी कुछ जमीन छूटी है रोड से और इसका साइड से भी छूटा है, बाद बाकी दोनों तरफ रोड। तो इस मॉडल को मैं डिफाइन करने वाला हूँ रोड पर, जहां पर पॉसिबल हो सकता था विंडो, मैंने वहां विंडो दिया है। और ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर लेट बाथ इनका बना है, इसको प्रॉपर वेंटिलेट हो सके इसलिए यहाँ पर एक विंडो छोटा सा दिया है। और ये ग्रिल वगैरह का डिजाइन देख सकते हैं ऊपर दोस्तों, गुमटी का डिजाइन जो कि स्टेयर्स को ढकने के लिए काम आएगा बरसात वगैरह में। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत प्लान होने वाला है। ये ग्रामीण क्षेत्र का दोस्तों प्लान है, इस वजह से यहाँ एक बारंदी की आवश्यकता हुई, आगे बारंदा बना हुआ है देख सकते हैं, जिसमें आपको यू आकार का कुछ डिजाइन मैंने करके दिया है। बीच में ओम का सिंबल है, दोनों तरफ आपको बेहतरीन तरीके से ग्रिल का भी डिजाइन और साइड में भी एक नॉर्मल। मैंने इस मॉडल को ऐसा बनाने की कोशिश की है जो लो बजट हो, एक प्रॉपर घर, ज्यादा इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीजें लगाने की कोशिश नहीं की है। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट की, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ आपको रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। तो फ्रंट पर सबसे पहले एक बारंदा देखने को मिलता है और साइड में रोड है। तो इसके अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये ओवरऑल इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख सकते हैं। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये जो पट्टी टाइप की आपकी दिख रही है ये सेकंड फ्लोर की है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रही है फर्स्ट फ्लोर की, सॉरी। तो सबसे पहले मेन इनका एंट्रेंस ये होने वाला है। तो जैसे जाए इनके पास आगे कुछ जगह है, इसके बाद ये आपका 3 पिलर और उस पर ये डिजाइन बीम के सहित और ये एक बारंदा, इसी बारंदे से एंट्री होती है। आप इस बारंदे में इस साइड से भी आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने चेयर वगैरह डेकोरेशन की वजह से डाल दिया है। मेन डोर इनका ये होने वाला है जहां से आप एंट्री करेंगे, साइड में एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। अभी आप मैं ऊपर से दिखाऊंगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ये दोस्तों बारंदा जिसकी मैं बात कर रहा था, मेन डोर से अंदर जाते आपको आंगन मिल जाता है, ये बेहतरीन सा बड़ा सा एरिया और देख सकते हैं। और सबसे एक बेहतरीन ये बेडरूम, एक बड़ा सा कॉर्नर पर बेडरूम जिसके लिए मैं डोर इधर से दिया है, विंडो भी यहाँ पर दिया है क्योंकि इधर रोड था इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके बाद बात करें तो ये दोस्तों आपका, अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा सा आपका किचन है और ये डोर यहाँ से दिया है किचन में और इनकी इधर से साइड में जगह थी, इस वजह से मैंने किचन में एक विंडो दे दिया है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे हटा सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद हम बात करें फिर से इधर, तो ये आपको एक पूजा रूम मिल जाता है। पूजा रूम में मैंने एक डोर लगा दिया, हालांकि पूजा रूम में डोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, बट मैंने सारी चीजों को कवर करते हुए यहाँ बनाया है और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे भी हटा सकते हैं। इसके बाद ये आंगन आप देख सकते हो, एक बेडरूम और आपका किचन और ये पूजा रूम। इसके बाद स्टेयर्स, उनका एक सवाल था कि सर यहाँ पर स्टेयर्स में से नीचे मैंने बाथरूम एडजस्ट किया है, बाथरूम बनाया है, तो इसकी हाइट क्या होगी। अब उन्हें मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये स्टेयर जब आपकी इधर से चलकर चढ़ना आप स्टार्ट करेंगे, टर्न होंगे फिर टर्न, तो इसके नीचे ये जितना मैंने टोटल ओवर जो स्टैंडर्ड साइज होता है मकान का 10 फिट होता है, मैंने 10 फिट पर ये जीना क्रिएट किया है, स्टेयर्स क्रिएट किए, उसी के नीचे जो जगह बचेगी उसको कवर करते हुए आपको ये बनाना पड़ेगा। ये ध्यान है, मिस्त्री को यहाँ पर कुछ चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी, जो स्टेयर का हाइट आएगा चलकर नीचे से, उस हाइट पर आपका बाथरूम का स्लैब या छत डाला जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऊंचाई को कम ज्यादा करते हैं, जैसे अभी मैंने 10 फिट पर
बनाया है, अगर आप मकान की ऊंचाई 11 या 12 करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जीने में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर लोग घर 10 फुट पर बनाते हैं, कहीं 11 फुट पर बनाते हैं, तो बट इसलिए मैं स्टैंडर्ड शायद 10 फुट लेकर चलता हूँ, जिससे सारी चीजें मैनेज हो जाए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो जवाब मैंने दिया आपने सुना होगा कि आप डिपेंड करेगा, ये आप हाइट क्या रखेंगे इस अकॉर्डिंग आपका बाथरूम का हाइट यहाँ पर जाएगा, जीने के जस्ट नीचे बनने वाला है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अब ओवरऑल फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, फ्रंट से आपका देख सकते हैं लोग बेहतरीन सा बारंदा, मेन डोर से एंट्री करेंगे, एक मैंने यहाँ पर भी विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, और इसके बाद आप आंगन में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करें इस कॉर्नर की, राइट हैंड पर एक बेडरूम, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक पूजा घर, और ये आपका सॉरी एक किचन, ये पूजा घर, इसके बाद स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे लेट बात, ये घर टोटली वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, और यहाँ पर इधर साइड से रोड भी है। तो यहाँ पर बाथरूम में देखिए कि छोटा सा विंडो वेंटिलेशन के लिए, आगे भी विंडो और इधर पूजा घर में भी मैंने छोटा सा विंडो दे दिया है वेंटिलेशन, जिसमें आपका कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है आपका 20x30 में विलेज के लिए कॉर्नर का हाउस प्लान। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो जैसा कि आपने देखा 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, और इधर क्योंकि इधर तरफ रोड था दोनों तरफ, तो इधर भी मैंने लगभग 2.5 फीट आगे आपका बालकनी निकाली, इधर भी 2.5 फीट आगे निकाली है। इसके बाद ये बेहतरीन सा ग्रिल, स्टील की ग्रिल का मैंने इस्तेमाल किया है, ये आपके बजट पर डिपेंड करता है आप स्टील या आयरन किसका लगवाना चाहते हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं प्रॉपर, और ये गुमटी स्टेयर्स को ढकने के लिए छत, और ये डोर जिससे आप छत पर आ पाएंगे। तो एक खूबसूरत सा मॉडल आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है ये ओवरऑल, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं जाकर हमारी वेबसाइट पर, इसका नाम है स्मार्ट हाउस प्लान और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके तहत आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों की बहुत ही स्पेशल चीजें लाने वाला हूँ इस चैनल पर, अलग अलग तरह की चीजें लाऊंगा जिससे आपको अपने सपनों का घर बनाने के लिए कहीं और भटकना ना पड़े, ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूं। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो मकान से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।